हेलो नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप स्टडी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं ओम प्रकाश यादव एक बार फिर से आप सभी के मध्य उपस्थित हुआ हूँ मैथ का एक और नया सेशन लेकर। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो एसएससी जीडी 2022-23 में आने वाली है उसकी प्रिपरेशन जो करवाई जा रही है आप स्टडी के द्वारा, तो उसमें मैं आप सभी के मध्य हर रोज मैथ की क्लासेस लेकर उपस्थित होता हूँ। और आप सभी को पता है पिछले दिनों से लगातार आपको मैथ की कक्षाएं मिलती आ रही है, उनमें जो टॉपिकों पर कई टॉपिकों का निपटारा कर चुके हैं। अभी बात कर रहे हैं औसत पे, औसत की 3 क्लासेज हो चुकी है, औसत के 3 क्लासेज हो चुकी हैं, पार्ट 3 हो चुके हैं, उनमें जो बेसिक टाइप से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पे चर्चा की, बिल्कुल बेसिक वे में छोटे से छोटे बिंदु पे ध्यान दिया और उन सभी बिंदुओं को चर्चा कर चुके हैं। आज समय है एसएससी जो जीडी की एग्जाम आने वाली है उसको मद्देनजर रखते हुए जो एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी पे चर्चा करने वाले हैं। एसएससी में चाहे जो एमटीएस की एग्जाम हो, एमटीएस की एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल की एग्जाम हो या सीजीएल प्री हो, इन सभी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का संग्रहण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर औसत का पार्ट फर्स्ट है। इसके पार्ट 2-3 भी इस प्रकार आने वाले हैं, क्योंकि अपन जो आप स्टडी परिवार किसी भी प्रकार से आपके लिए जो कमी नहीं छोड़ने वाला है, आपको बिल्कुल जो तैयारी में बिल्कुल पुख्ता तैयारी करवाई जाएगी यहाँ से। तो चलिए क्लास को आरंभ करते हैं और चलते हैं क्वेश्चनों के ऊपर कि किस प्रकार से पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संख्याएं दी गई हैं 7, 11, 15, x, 14, 21 और 25 का औसत 15 दिया गया है, तो x का मान क्या होगा, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे, इन औसत दिया गया है कितनी संख्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 संख्याओं का औसत दिया गया है, 7 संख्याओं का औसत दिया गया है जो कि 15 दिया गया है, तो इन 7 संख्याओं का योग क्या होगा, इसको किस प्रकार ज्ञात करते हैं, जो पिछली क्लास में देख चुके हैं। 7 संख्याओं का औसत यदि संख्याएं दी गई हो और औसत दिया गया हो तो योग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि योग बराबर होता है, जो योग बराबर होगा वह होगा जो औसत गुणा संख्या को गुणा कर दिया जाएगा तो योग प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 15 को 7 से गुणा करने पर हमारे पास योग प्राप्त होने वाला है, 7 × 35 = 35, 3 × 7 = 7 और 3 = 10, 105 हमारे पास इन 7 संख्याओं का योग प्राप्त हुआ, तो यहाँ से योग प्राप्त हो चुका है। अब इन संख्याओं का योग कर लिया जाएगा, फिर बराबर में रख देने पर जो एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त होगी और वही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स का मान क्या होगा। तो चलिए इन संख्याओं का योग करते हैं, 7 और 11 होता है 18 हो गया, 15 और जो 14 को ऐड करेंगे तो 15 और 4 = 19, 10 = 29 हो गए यहाँ से, और यहाँ से 21 और 25 को ऐड करेंगे तो 26 और 20 होने वाले हैं 46। चलिए इनको ऐड करते हैं, यहाँ पे 9 और 6 हो गया 15, और 15 और 8 होते हैं 23, 23 का 3 आया, 2 बचा, 4, 4, 8, 1, 9, 93 हुआ, तो यहाँ से हमारे पास जो इन संख्याओं का योग प्राप्त हुआ वह 93 है, और यहाँ पे एक संख्या x है तो x को इन अंकों में गुणा नहीं जोड़ा नहीं जा सकता, तो यहाँ से x को इस प्रकार लिख लेंगे और इनका योग हमारे पास 105 प्राप्त हुआ, तो यहाँ से बड़े आसानी से x का मान ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि 93 का पक्षांतरण करेंगे और जो उधर जाकर माइनस का होगा और जो कि 93 इस प्रकार लिखेंगे, 105 में से 93 को घटाया जाएगा तो हमारे पास जो बचने वाला है वह 12 बचने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि अपना जो आंसर कौन से ऑप्शन से मैच खाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होने वाला है, क्योंकि दिए गए क्वेश्चन का हमें औसत दिया गया था, औसत से हम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं और योग ज्ञात करने पर इन संख्याओं को अलग योग किया जाएगा और जो योग दिया गया है उसके इक्वल रखा जाएगा, और जिस संख्या को हमें अचर पद दिया गया है अचर पद से हमें यहाँ आते हैं एक्स वाई जेड या ए बी सी किसी प्रकार से कोई भी अंक दे दिया जाए तो इस प्रकार से बड़े आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है, 2 संख्याओं A तथा B का औसत 20 है, ए तथा बी का औसत दिया गया है जो 20 है, बी तथा सी का औसत दिया गया है 19 है, और सी तथा ए का औसत है जो 21 दिया गया है, तो ए का मान क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं, जो दिया गया है ए व बी का औसत दिया गया है, ए व
बी का औसत औसत 20 दिया गया है। तो दोस्तों क्लासों में चर्चा कर चुके हैं कि जब किन्हीं संख्याओं का औसत दे दिया जाए तो उनका योग किस प्रकार निकाला जाता है। योग का फॉर्मूला होता है योग बराबर औसत गुणा संख्या, अर्थात जिन संख्याओं का औसत दिया गया है उसको उन जो औसत दिया गया है उससे गुणा कर देंगे जिससे योग प्राप्त होगा। तो हमारे पास यहां से ए प्लस बी यथार्थ ए बी का योग क्या होने वाला है, जो 20 को 2 से गुणा करेंगे क्योंकि ए बी दो संख्याएं हैं और औसत 2 है, तो 20 गुणा 2 हमारे पास 40 प्राप्त होने वाला है जो कि ए बी का योग प्राप्त हुआ। इसी क्रम में आगे बी व सी का औसत दिया गया है जो 19 दिया गया है। अब यहां से जो B प्लस सी का योग किस प्रकार होगा, 19 दुना 38 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे औसत 19 है और संख्याएं 2 दी गई है, तो यहां से इस प्रकार हमारे पास 38 प्राप्त होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो दिया गया है C व A का औसत, C व A का औसत दिया गया है वह 21 है और आप सभी को पता है जो C व A का योग होगा जो औसत को संख्याओं से गुणा कर देंगे 21 दुना 42। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पे ए व बी का योग है, बी व सी का योग है, सी व ए का योग है, तो यहाँ से हमारे पास इन तीनों जो समीकरण दिए गए हैं उन तीनों का योग कर देंगे तो योग करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो योग इस प्रकार होगा। बिल्कुल स्टेप को मिस नहीं करेंगे, चाहे समय ज्यादा लगे बिल्कुल छोटे छोटे स्टेपों पर कार्य करने वाले हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए कि क्या किया जा रहा है। तीनों को एड करना है तो ए प्लस बी होगा प्लस बी प्लस सी होगा प्लस सी प्लस ए होगा, तो यहां से इनको ऐड किया तो यह प्राप्त हुआ। और जबकि 40 38 और 42 को ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 की 0 एक बचने वाला है, 4 4 और 4 120 होने वाला है, तो यहां से इनका योग 120 प्राप्त हुआ। अब देख पा रहे हैं हर अंक दो दो बार दिया गया है, बी दो बार है, सी दो बार है और ए भी दो बार है, तो यहां से यह इस प्रकार होगा 2A 2B और 2C बराबर 120 होने वाला है। जबकि अब यहां से दो कॉमन ले लिया जाएगा तो A B C बराबर 120 होगा, तो यहां से A प्लस B प्लस C का मान हमारे पास दोस्तों ये इधर जो कोष्टक के बाहर गुणा में संख्या है जो पक्षांतरण करने पर उसके बटा में जाने वाली है और 120 के बटा में 2 आने पर हमारे पास A प्लस B प्लस सी का मान हमारे पास 60 बचने वाला है। तो हमारे पास अब A प्लस बी प्लस सी का मान आ चुका है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वह देखते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है A का मान क्या होगा, तो A का मान निकालने के लिए हमें A प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है। जब A प्लस बी प्लस सी में से B प्लस सी का मान घटा दिया जाएगा तो हमारे पास A प्राप्त होने वाला है, तो A प्लस बी प्लस सी का मान 60 है जबकि B प्लस सी का मान हमारे पास 38 प्राप्त हुआ था। तो A प्लस बी प्लस सी में से जब बी प्लस सी को घटा दिया जाएगा तो हमारे पास क्या प्राप्त होने वाला है, चलिए घटाकर देखते हैं। दोस्तों जब अचर पदों को जोड़ा या घटाया जाता है तो इस प्रकार से लिखा जाता है, यह प्लस का है इधर माइनस का, यह कटने वाला है, यह सी से सी कटने वाला है, इधर ए प्राप्त होने वाला है। और जब 60 में से 38 घटाया जाएगा तो 10 में से 8 2 और 5 में से 3 2, तो हमारे पास ए का मान जो प्राप्त हुआ वह 22 प्राप्त हुआ जो कि ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों यहां से यदि ए के अलावा बी का मान पूछा जाता तो यहां से ए व सी को घटा देते, ए बी ए प्लस बी प्लस सी में से जो यदि B का मान पूछा जाता तो A प्लस सी को घटाया जाता और जब C का मान पूछा जाता तो इसमें से A प्लस बी का मान घटा दिया जाता। इस प्रकार यदि क्वेश्चन में A या B या C किसी भी संख्या का मान पूछे तो बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरीके से यह समझ में आ रहा होगा। यदि आपने जो औसत की जो बेसिक क्लासेस ली गई थी बिल्कुल कंसेप्ट वाइज यदि उनको नहीं देखा है तो जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर एवरेज के 3 पार्ट हो चुके हैं उन सभी का अध्ययन करने के बाद आप इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीन संख्याएं दी गई हैं जो ए बी व सी इस प्रकार है, ए व बी का योग 5 है, बी व सी का योग 7.5 है तथा सी व ए का योग है जो 8.5 दिया गया है, तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों तीन संख्याएं दी गई हैं ए बी व सी, ए बी व सी दी गई हैं जहां पे इन ए व बी का योग दिया गया है हमारे पास 5 है जबकि बी प्लस सी का योग दिया गया है जो 7.5 है,
जबकि सी प्लस ए का योग जो दिया गया है वह 8.5 है। तो यहां से अभी जो पिछला क्वेश्चन सोल्व किया जब देखा जब इन संख्याओं को एड किया जा रहा था तो हमारे पास इधर 2a b व c प्राप्त हुआ और इधर से इनका योग कर दिया जाएगा 7.5 में 5 8 16 हो गया और 16 और 5 क्या होता है 16 और 5 होने वाला है जो 21 प्राप्त होगा हमारे पास यहां से क्योंकि 7 प्लस 7.5 ये होगा 12.5 12.5 और 8.5 होने वाला है 21। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास जो प्राप्त हुआ वह है 21/2। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो हमारे पास योग प्राप्त हुआ वह ए प्लस बी प्लस सी का योग है लेकिन क्वेश्चन में हमारे जो पूछा गया है वह है औसत की औसत क्या होगा और औसत क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या संख्या होता है। तो यहाँ से हमारे पास योग प्राप्त हो चुका है जो 21/2 है और राशियों की संख्या क्वेश्चन के आरंभ में कहा गया है कि तीन संख्याएं हैं तो तीन से डिवाइड कर दिया जाएगा तो 21/6 हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ था अर्थात एवरेज प्राप्त हुआ। अब जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें दशमलव में है तो यहां से और सोल्व कर सकते हैं इसको यहां से 3 6 18 18 के बाद 3 बचा और 6 5 30 तो 3.5 हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सोल्व कर पा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 25a प्लस 25b बराबर 115 है तो a तथा b का औसत कितना होगा। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि 25a प्लस 25b का मान 115 दिया गया है तो b का औसत कितना होगा पूछा गया है। तो यहां से दोस्तों जो 25 कॉमन आने वाला है a प्लस b का मान हमारे पास 115 दिया गया है। अब यह है यहां जो इधर गुणा में है तो इसका पक्षांतरण करने पर यह है वहां बटा में जाने वाली है तो 115/25 होने वाला है। तो हमारे पास देख पा रहे हैं दोस्तों दोनों संख्याओं का योग प्राप्त हो चुका है और योग प्राप्त होने पर हम इनका औसत अज्ञात आसानी से कर सकते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का औसत क्या होने वाला है योग बटा संख्या तो योग हमारे पास 115/25 दिया गया है जबकि संख्याएं कहा गया है दो संख्याएं हैं क्योंकि ए व बी ये दो संख्याएं हैं तो दो से और डिवाइड कर दिया जाएगा तो हमारे पास 115/50 आने वाला है और 50 का इसको डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे जो बचने वाला है वह होगा जो 50 × 100 होता है 15 बचा 10.156 2.6 प्राप्त हुआ। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों पहला ऑप्शन में है 4.6 तो यह नहीं होगा 2.5 यह भी नहीं होगा और 4.5 यह भी नहीं होगा। तो दोस्तों अपना जो आंसर निकल के आया 2.6 तो ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन जो अधिकतर पूछे जाते हैं तो चलिए सोल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को और मैं आशा करता हूं आज के बाद जो ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होने वाले हैं क्योंकि अपन ने जो क्लासों में बिल्कुल बेसिक से बेसिक बिंदुओं पे चर्चा की है और आज जो हर टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं उन सभी का जो सोल्व करने वाले हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है 30 परिणामों का औसत 20 है औसत 20 दिया गया है और जो अन्य 20 परिणामों का औसत है वह 30 दिया गया है। दोस्तों जब औसत दिया गया हो तो उन परिणामों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आप सबको बता देना चाहता हूं कि योग निकालने के लिए जब औसत को संख्या से गुणा किया जाता है तो योग प्राप्त होता है। तो यहां से 30 संख्याओं का योग निकालेंगे या परिणामों का। दोस्तों यहाँ पे संख्याएं न देखकर परिणाम दिया गया है तो यहाँ पे 30 परिणामों का योग क्या होगा वह निकालना है। योग निकालने का फॉर्मूला होता है औसत गुणा संख्या। औसत दिया गया है 20 और जो संख्याएं दी गई हैं वह 30 तो यहाँ से 3 × 6 = 600 प्राप्त होता है। अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं और दिया गया है 20 परिणामों का औसत क्या होगा। तो यहाँ से 20 परिणामों का योग निकालेंगे तो यहाँ से औसत 30 है और इसको 20 से गुणा किया जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 600 प्राप्त होने वाले हैं।
तो दोस्तों देखा कि जो टोटल 50 परिणाम हो गए, 30 तो ये हैं और 20 ये, तो 50 परिणामों का औसत हमारे पास 1200 प्राप्त हुआ। और जो औसत भी निकालना है, इन सभी परिणामों का निकालना है, तो औसत क्या होने वाला है? औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यहां से योग 1200 प्राप्त हुआ और जो हमारे पास संख्याएं हैं, 30 संख्याएं, 30 परिणाम पहले दिए गए हैं और 20 परिणाम बाद में दिए गए हैं, तो हमारे पास यहां से 50 प्राप्त होने वाला है। तो यहां से जीरो कैंसिल होने वाली है, 120 को 5 से डिवाइड किया जाएगा तो होने वाला है 5 × 10 और 5 × 20। तो दिए गए क्वेश्चन का जो हमारे पास परिणामी औसत प्राप्त हुआ वह हुआ 24। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ऑप्शन दिया गया है ए 24। तो दोस्तों हमारे पास जो औसत प्राप्त हुआ वह 24 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि किस प्रकार से अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा का पास औसत 80% है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 20 विद्यार्थी हैं उनमें से 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास होते हैं, बाकी सभी फेल होते हैं। जो इन परसेंटेज से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब परसेंटेज का टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उस समय इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 30 विद्यार्थियों के दूसरी कक्षा के पास होने का औसत 70% है। और दोस्तों एक दूसरी कक्षा और बताई गई है जिसमें 30 विद्यार्थी हैं, लेकिन 30 विद्यार्थियों में पास होने वाले विद्यार्थी 70% है। तो दोनों कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों का पास होने का औसत क्या होगा? दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व किया जाता है उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 20 विद्यार्थियों का जो औसत है वह 80% है। दोस्तों यहां भी औसत दिया गया है तो इनका योग निकाल सकते हैं। तो योग आप सभी को पता है, जो 20 विद्यार्थियों का योग आने वाला है तो औसत को संख्या से गुणा किया जाएगा। तो 80 × 20 तो हमारे पास यहाँ 8 × 16 तो 1600 प्राप्त होने वाला है। अगले जो दूसरी कक्षा दी गई है उसमें 30 विद्यार्थियों का औसत है वह 70% दिया गया है। तो यहां से भी इनका जो योग प्राप्त होने वाला है 70 × 30 जो 2100 होने वाले हैं। तो यहां से दोनों कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं उनके जो अंक है उनका योग हमारे पास प्राप्त हो चुका है, योग प्राप्त हो चुका है। तो जो औसत होता है वह होता है औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो हमारे पास योग प्राप्त हुआ 0 0 6 1 7 2 1 3 37 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से 37 0 0 यहाँ से प्राप्त योग प्राप्त हुआ। अब ये संख्याएं कितनी हो चुकी हैं? तो संख्याएं 30 और 20 हो गई 50। जब 3700 को 50 से डिवाइड किया जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल होने वाली है। और जब 370 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 7 = 35 आने वाला है। 35 के बाद 2 बचा और 5 × 20। तो जो हमारे पास परिणामी औसत प्राप्त हुआ वह हुआ 74%। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी में 74% दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक्स संख्याओं का औसत वाई है और वाई संख्याओं का औसत एक्स है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? दोस्तों मैंने कहा था कि हर टाइप से जिस भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एसएससी एग्जाम में वह सभी क्वेश्चन आपको यहां मिलने वाले हैं, अर्थात उनका सॉल्यूशन मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आप स्टडी परिवार की तरफ से आपके लिए किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी। जो बिल्कुल एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वही आपको सोल्व करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को जो दिया गया है एक्स संख्याओं का औसत जो है वाई दिया गया है। दोस्तों औसत दिया गया है तो औसत से योग निकाल सकते हैं। तो एक्स संख्याओं का योग क्या होगा? जब औसत को संख्या से गुणा कर दिया जाएगा तो हमारे पास योग प्राप्त होने वाला है। फिर आगे कहा जा रहा है वाई संख्याओं का औसत एक्स प्राप्त होता है, तो इनका योग क्या होने वाला है? तो योग होता है औसत को संख्या से गुणा कर दिया जाए तो योग प्राप्त होने वाला है। चलिए इन संख्याओं का योग प्राप्त हो चुका है तो अब इन सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो औसत योग हुआ, एक्स वाई प्राप्त हुआ और फिर एक्स वाई प्राप्त हुआ, तो यहाँ से एक्स वाई प्लस एक्स वाई हो गया, इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा जो, और बटा में कितने अंक हुए एक्स और एक्स प्लस वाई प्राप्त हुआ। तो यहाँ से यह हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ। अब चलिए दोस्तों इसको और सोल्व कर सकते हैं आगे। यदि ऑप्शन में यह संख्या दी गई होगी या संक्रिया दी गई होगी तो यहाँ
हमारे से आंसर आने वाला है। यदि आगे भी इसको सोल्व किया गया है तो आगे भी सोल्व कर सकते हैं, ये एक्स वाई और एक्स वाई जुड़ जाएंगे दोनों, तो यहाँ से टू एक्स वाई प्राप्त होने वाला है और अपॉन एक्स प्लस वाई प्राप्त होने वाला है। तो हमारे पास जो दिए गए क्वेश्चन का औसत प्राप्त हुआ वह हुआ टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ए, जिसमें दिया गया है टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन का थोड़ा लेवल अप किया गया है दोस्तों, और कुछ नहीं किया गया, हूबहू उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है। दोस्तों यह औसत है, औसत दिया गया है वाई स्क्वायर, जबकि वाई संख्याओं का जो औसत दिया गया है जो एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन में कहा गया है। जब आपको किन्हीं संख्याओं का औसत दे दिया जाए तो उनसे उनका योग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी क्वेश्चन सोल्व किया उसमें जो औसत और योग से ही संबंधित क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं और योग निकालते हैं। तो यहाँ से एक्स संख्याओं का योग क्या होने वाला है, तो योग होने वाला है जो औसत को जब संख्या से गुणा कर दिया जाएगा तो योग प्राप्त होने वाला है, और वाई का योग क्या होने वाला है, वाई का योग हमारे पास यहाँ से औसत को संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी, जो गुणनफल प्राप्त होगा, वही हमारा योग होने वाला है। चलिए अब इन सभी संख्याओं का औसत निकालने वाले हैं। तो औसत आप सभी को पता है जो होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो योग हमारे पास यहाँ एक्स वाई का स्क्वायर प्राप्त हुआ प्लस एक्स का स्क्वायर वाई प्राप्त हो चुका है, और बटा में आने वाली है संख्याएं, तो एक संख्या एक्स है और दूसरी संख्या वाई, तो एक्स प्लस वाई यहाँ से आने वाला है। दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे यदि इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है तो आंसर यह होने वाला है, अन्यथा इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने का क्रम इस प्रकार होने वाला है, ऊपर के जो पद है उसमें एक्स कॉमन आने वाला है, तो यहाँ से बचने वाला है वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से एक एक्स कॉमन आ गया तो एक्स वाई बचने वाला है, तो और नीचा बटा में जो एक्स प्लस वाई है एज इट इज रहने वाला है। चलिए इस आगे भी और सोल्व कर सकते हैं, एक्स कॉमन ले लिया गया था, अब लेते हैं कॉमन वाई, तो वाई कॉमन आ जाने से वाई स्क्वायर में वाई कॉमन लेने से वाई बचने वाला है, प्लस एक्स वाई में यदि वाई को कॉमन लिया जाएगा तो एक्स बचने वाला है। इस प्रकार यहाँ से जो बटा में है एक्स प्लस वाई, दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो ऊपर अंश में भी x प्लस वाई है और हर में भी x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल होने वाला है और जो हमारे पास शेष बचने वाला है वह एक्स वाई होगा। चलिए देखते हैं हमारे पास इन दोनों संख्याओं का औसत एक्स वाई प्राप्त हुआ, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सोल्व कर पा रहे होंगे। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान बिल्कुल किया जाएगा और एक डाउट क्लास भी रखी जाएगी, उनमें केवल आप सभी के डाउट लिए जाएंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में इस प्रकार से, कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय एस रुपए है, एस रुपए में है, तथा अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय टी है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तब सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय रुपए में क्या होगी। दोस्तों इस प्रकार से बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि अपन ने जो क्लासों में पढ़ा है बिल्कुल बेसिक जो पॉइंट होते हैं उन सभी पे चर्चा की है, और जिस स्टूडेंट का बेसिक क्लियर होगा वह इन प्रकार के इसी प्रकार के क्वेश्चनों में कहीं भी अटकने वाला नहीं है, क्योंकि जो बेसिक पे जो निरंतर कार्य करेगा, रेगुलर कार्य करेगा, वह इस प्रकार के क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सोल्व कर सकता है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से सोल्व करते हैं और बड़े आसानी से सोल्व किया जा सकता है, इसका सोल्यूशन बड़ा आसान होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तो यहाँ पे अन्य श्रमिकों की संख्या पहले देखते हैं, यहां से अन्य श्रमिकों की संख्या माना कि x है, तो कृषि श्रमिकों की संख्या
हमारे पास जो कहा जा रहा है कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या की 11 गुना है, तो यहाँ से 11 गुना होने वाला है। अब देखते हैं क्वेश्चन में कुछ कृषि श्रमिकों की, तो कृषि श्रमिकों की संख्या 11x है, तो 11x श्रमिकों की औसत दिया गया है, श्रमिकों का औसत दिया गया है जो कि एस रुपए है, एस रुपए है। तो दोस्तों यहाँ पे औसत दिया गया है, तो औसत से हम बड़े आसानी से हैं जो योग ज्ञात कर सकते हैं। तो 11 श्रमिकों का, 11x श्रमिकों का योग क्या होगा? योग ज्ञात करने के लिए औसत को जो संख्या से गुणा कर दिया जाएगा, तो हमारे पास यह योग प्राप्त हुआ। अब आगे कहा जा रहा है अन्य श्रमिकों की, तो अन्य श्रमिकों की संख्या एक्स है, तो एक्स श्रमिकों की का औसत दिया गया है जो टी है, एक्स श्रमिकों का औसत टी दिया गया है। तो अपन एक्स श्रमिकों का योग भी बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जो होने वाला है एक्स टी होने वाला है। तो यहां दोस्तों अब बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं हम, जो कि औसत में दो वैल्यू चाहिए वह होती है एक तो राशियों का योग और एक राशियों की संख्या। अब हमारे पास राशियों का योग भी है और राशियों की संख्या भी है, तो बड़े आसानी से इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो सोल्व करेंगे तो औसत है, तो यहां से योग दिया गया है जो होने वाला है, एक तो दिया गया है 11x गुना एस दिया गया है प्लस एक्स गुना टी दिया गया है बटा नीचे में आने वाला है जो कि 11x संख्या एक है और x एक है, तो यहाँ पे 11x प्लस x होने वाला है। दोस्तों इसको इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, ऊपर जो देखने पे हमें पता चल रहा है कि x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ बचा 11x प्लस यहाँ से x कॉमन आने पर t बचने वाला है अपॉन यहाँ से 12x हो चुका है। तो यहाँ से दोस्तों देख पा रहे हैं ऊपर x है नीचे x है, तो x से x कैंसिल होने वाला है और हमारे पास जो आंसर निकल के आया वह होगा 11s प्लस टी अपॉन 12। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में अपना जो आंसर निकल के आया है वह मैच खाता है। तो यहाँ s प्लस 11t अपॉन 12 है, यहाँ पे s प्लस टी अपॉन 2 है, तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा 11s प्लस टी अपॉन 12 है। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर निकल के आया है वह है जो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप इस टाइप के टाइप को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है दसवें क्वेश्चन पे चर्चा कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन अभी तक 9 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। दोस्तों इसी प्रकार कई टाइपों से क्वेश्चन पूछे जाने उन सभी को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें कहा जा रहा है 5 वर्ष पूर्व PYQ की औसत आयु 25 वर्ष थी। तो दोस्तों जब एवरेज में आपको जो पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया गया था उसमें एक टाइप से इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहा था, जब किन्हीं संख्याओं का औसत दिया गया होता है और कहा जाता है कि प्रत्येक संख्याओं में कुछ संख्या जोड़ दी जाती है, तो उस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो प्रत्येक संख्या यदि औसत में जोड़ी जाती है तो जो संक्रिया करते हैं वह पुराने औसत के साथ जो संक्रिया करने के लिए कहा जाता है वह कर दी जाती है। जैसे यदि 5 जोड़ा जाता है तो 5 जोड़ देते हैं पुराने औसत में, यदि घटाने के लिए कहा जाता है तो घटा देते हैं, गुणा करने के लिए कहा जाता है तो गुणा करते हैं। जो संक्रिया जो प्रत्येक संख्या के साथ करने के लिए कहा जाता है वह पुराने औसत के साथ बिल्कुल सीधे कर दी जाती है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व PYQ की औसत आयु 25 वर्ष थी, तो यहां से हमारे पास जो 5 वर्ष पश्चात अर्थात वर्तमान में, इसमें ऐसे दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व PYQ की औसत आयु औसत दिया गया है वह 25 है, लेकिन वर्तमान में क्या होगी इनको पुराने औसत में जो संग्रह करवाई जा रही है वह जोड़ दी जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे PYQ का जो औसत प्राप्त होगा अर्थात PYQ का जो योग प्राप्त होगा उसको योग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि PYQ का वर्तमान का औसत 30 है और 30 को जब 2 से गुणा किया जाएगा तो PYQ का मान 60 प्राप्त होने वाला है। इसी क्रम में आगे PQ व R का औसत दिया गया है, तो ये औसत दिया गया है तो इनका भी योग बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है योग बराबर औसत गुणा संख्या अर्थात दी गई संख्या। तो औसत हमारे पास 25 दिया गया है और संख्या 3 है, तो हमारे पास यहाँ पर 75 प्राप्त हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उस पर चर्चा करते हैं।
हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आर की आयु क्या होगी, तो दोस्तों अभी इससे जो निकल के आने वाला है वह आर की वर्तमान आयु होगी। तो यहाँ से जो घटाया जाएगा तो पीक से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, आर का मान जो आने वाला है वह होने वाला है 15। तो दोस्तों जो अभी ये 15 वर्ष निकल के आया है यह तो इसकी वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है 5 वर्ष पश्चात अर्थात वर्तमान में 5 वर्ष पश्चात यहाँ ये 5 एड होने वाला है, तो 15 प्लस 5 जो हमारे पास 20 प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों 5 वर्ष पश्चात जो आर की आयु होने वाली है वह 20 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार कहा जा रहा है कि 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद की 3 संख्याओं के योग की 1/4 है और तदनुसार उनमें पहली संख्या क्या है। दोस्तों यहां पे 4 संख्याओं का औसत दिया गया है, चलिए सोल्व करते हैं इस प्रकार क्वेश्चन को। 4 संख्याओं का औसत है, 4 संख्याओं का औसत है जो 60 दिया गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 60 औसत वाली 4 संख्याएं अर्थात 4 संख्याओं का औसत 7 और इनका योग ज्ञात करेंगे 4 संख्याओं का, तो औसत को संख्या से गुणा कर दिया जाएगा, तो 60 को 4 से गुणा करने पर 6 चौका 24 240 प्राप्त होने वाला है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप बड़े आसानी से समझ पा रहे होंगे। और क्वेश्चन में जो अगली संख्या का है कि पहली बाद की 3 संख्याओं के योग की 1/4 है, तो यहां से 4 संख्याएं हैं, लिखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी है, इस प्रकार से संख्याएं हैं बाद की 3 संख्याएं। तो बाद की 3 संख्याएं यह होने वाली है, तो यहां से इन तीनों संख्याओं का योग है जो कहा जा रहा है 4 है, जबकि पहली संख्या का योग कहा जा रहा है तो 1 कहा जा रहा है। तो यहां से दोस्तों यहां से हम मान सकते हैं यह अनुपात है इनका, तो अनुपात इसको सोल्व करने के लिए यहां से एक्स माना जाएगा कि इनका जो पहली संख्या का अनुपात एक्स अनुपात, दूसरी तीसरी और चौथी संख्या का जो अनुपात का योग है वह 4x है। दोस्तों हमारे पास जो योग दिया गया है चारों संख्याओं का वह 240 प्राप्त हुआ, लेकिन जो अनुपात से योग प्राप्त हो रहा है 4x और x होता है 5x, तो यहां से हमारे पास जो निकल के आया जो 5x की वैल्यू 240 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे 5 चौके 20 और 5 अंडे 40, तो x का मान हमारे पास 48 प्राप्त हुआ। चलिए देखते हैं कि इन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तदनुसार उनमें पहली संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या आप सभी को पता है कि हमने x माना था, तो x का मान 48 प्राप्त हुआ जो कि दिए गए क्वेश्चन का आंसर होने वाला है और ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है संख्याओं में से पहली दूसरी की दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1/3 है और तीसरा चौथे का 5 गुना है, अगर 4 संख्याओं का औसत 33। तो दोस्तों आप सभी को एग्जाम में क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन में बिल्कुल हल्का सा एक वर्ड भी चेंज हो जाता है तो उसका आंसर चेंज हो जाता है, इसलिए आपको क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत 33 दिया गया है। यदि हमारे पास संख्याओं का औसत दिया गया है तो उसका योग बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, औसत को जब संख्या से गुणा किया जाएगा तो हमारे पास उन चारों संख्याओं का योग प्राप्त होने वाला है। 4 3 12 का 2, 1 बचा 4 3 12 और 1 होता है 13, तो 4 संख्याओं का योग हमारे पास 132 प्राप्त हुआ। चलिए अब जो आगे संख्या दी गई है उस पर चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया है कि 4 संख्याएं हैं, तो 4 संख्याएं इस प्रकार मानते हैं पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इस प्रकार से संख्याएं ले लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है पहली दूसरी की दोगुनी, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1/3 है और तीसरा चौथे का 5 गुना है, तो यहां से डायरेक्ट चौथा अंक लेते हैं जो कि मानते हैं एक्स दिया गया है। दोस्तों यदि चौथा अंक x होने वाला है तो तीसरा अंक क्या होगा, यहाँ पे लिखा गया है कि तीसरा है जो चौथे का 5 गुना है, तो तीसरा चौथे का 5 गुना, तो चौथा x है, तो x का 5 गुना 5x होने वाला है। और दोस्तों दूसरे अंक के बारे में कहा गया है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 1/3 है, तो तीसरी संख्या 5x है, तो इसका 1/3 1/3 होने वाला है, क्योंकि 5x गुना 1/3 बराबर 5x/3 होता है।
और दोस्तों पहली संख्या के बारे में कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो दूसरी संख्या 5x/3 है, तो यहां से 10x/3 आने वाला है क्योंकि दुगुना यह हो चुका है। दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास यह अनुपात प्राप्त हुआ जो कि हमारे जो क्वेश्चन में संख्या दी गई है वहां से निकल के आया है, और एक योग हमारे पास प्राप्त हो चुका है चारों संख्याओं का जो कि 132 है। दोस्तों इन सभी का अनुपात को ऐड करेंगे और इसके बराबर रखेंगे और जो x की वैल्यू आएंगी वह निकालेंगे। तो यहां से दोस्तों जो इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम किस प्रकार लिया जाता है उस पर चर्चा एलसीएम के जो दो क्लासेज हुई उसके बाद उनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं उनमें सोल्व किया, तो आप एलसीएम एचसीएम का पार्ट भी जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लघुतम 3 आ चुका, 3 में 3 का भाग देने पर 1 और 1 को 10x से गुणा करने पर 10x, 3 में 3 का भाग एक बार 1 को 5x से गुणा करने पर 5x आने वाला है। यहाँ पे बटा में 1 है, 3 में 1 का भाग 3 बार और 3 को 5x से गुणा किया जाएगा तो 15x होने वाला है। इसी क्रम में 3 यहाँ आने वाला है और 3x यहाँ से प्राप्त होने वाला है। दोस्तों अब यहाँ पे ऐड करेंगे 10 और 5 15, 15 और 15 30, 30 और यहाँ से 33 हो चुका, तो 33x/3 बराबर 132 प्राप्त हुआ। यहाँ से 3 से 33 कैंसिल होने वाला है, 11x बराबर 132, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आने वाली है वह होने वाली है 12, क्योंकि 11 को 12 से गुणा करने पर 132 प्राप्त होता है, और 132 में जब 11 का डिवाइड की करेंगे तो हमारे पास आंसर 12 आने वाला है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों जो अनुपात लिया उस अनुपात में देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या होने वाली है। तो दोस्तों आप अनुपात देख पा रहे हैं, पहली संख्या का अनुपात है 10x/3 है, दूसरी संख्या का अनुपात 5x/3 है, और तीसरी संख्या का 5x है, और चौथी संख्या का अनुपात है जो x है। दोस्तों x का मान तो ज्ञात कर चुके हैं जो 12 दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों इनमें देखने में पता चल रहा है कि ये तो डिवाइड किया जा रहा है तो यहाँ तो कम होने वाला है, तो यहाँ पे भी डिवाइड कम होने वाला है, लेकिन यहाँ गुणा किया जा रहा है, और जब संख्याओं को दो संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो जो लघुतम संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं, और जब डिवाइड किया जाता है तो हमें जो छोटी संख्याएं प्राप्त होती है, और दो संख्याओं को आपस में गुणा किया जाएगा तो हमेशा दीर्घतम संख्या प्राप्त होगी। दोस्तों तो यहाँ से जो सबसे बड़ी संख्या निकल के आई है वह 5x होने वाली है, x का मान 12 दिया गया है, तो 5 को 12 से इंटू करने पर हमारे पास सबसे बड़ी संख्या 60 प्राप्त हुई, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों आज की क्लास में चर्चा की कि किस प्रकार से जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी पे चर्चा की। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अब जो आगे का पार्ट होने वाला है उसमें इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और हाँ यदि आज वीडियो में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त। जय हिंद जय भारत।